तो ये जो चुनाव है ये डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटर का चुनाव है, और मैं जनता से हाथ जोड़कर एक युवा होने के नाते विनती करना चाहती हूँ आप सब से कि प्लीज हमारे भविष्य को बचा ले, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो सपना देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में आने का, जो हमारे दलित शोषित तबके के लोग हैं दूर बैठे जिनका सपना होता है बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, कुछ सरकारी कुर्सी पे बैठेंगे और बड़ा बनेंगे, उनके सपनों के साथ मत खेलिए। अपनी गफलत की नींद से जाग जाइए और अपने चुनाव का इस्तेमाल सही जगह करके आइए, और जहां पे आपको लग रहा है घोटाला और गलती गड़बड़ी हो रही है कॉलर पकड़िए, आवाज उठाइए, पहुंचिए उस जगह, अपनी संख्या से विरोध कीजिए और चुनाव दोबारा होने की मांग कीजिए, क्योंकि ये सरकार बेईमान सरकार है, ये सरकार आपके विरोधी चीजें लेकर आएगी, और अगर ये सरकार अब यूपी का चुनाव जीती है तो 2024 में आप कितना भी कर लीजिए ये सरकार जाने वाली नहीं है। ये सरकार आएगी और हर वो नीति लेके आएगी जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर नष्ट होगा, बर्बाद होगा, मेन धारा से मुख्य धारा से आपके बच्चे जाएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे कभी भी आपके बच्चे पढ़ने का सपना नहीं ले सकते। आपके बच्चों के सपने को खत्म करेंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर खत्म करेंगे, और सबसे बड़ी चीज संविधान को बदल डालेंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, एक एक पन्ना उसका नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये बाबा साहिब का सिर्फ नाम लेते हैं सिंबॉलिकली, उनकी कही बात पे एक बार भी ये नहीं चलते, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि 90% जागो, सिर्फ वोट उन्हीं लोगों को दो जो लोग पीड़ित शोषित तबके के हैं, जो पार्टीज पीड़ित शोषित तबके के हैं उन्हीं को वोट दो, सिर्फ भाजपा को बॉयकॉट कर दो, बाकी जितनी पार्टीज हैं जो आपके समाज की पार्टीज हैं उनको वोट दो, अपना नेता अपने बीच में से चुनो, बिकॉज यू आर द किंग मेकर। तो किंग मेकर जो होता है, दोहराऊंगी अपनी बात, उसके पास ज्यादा ताकत होती है राजा से। और धार्मिक विवादों में मत डूबो, क्योंकि सरकार आपको धार्मिक जाति धर्म में फंसाएगी और अपनी राजनीति को बहुत सटीक तरीके से कैसे निकाल के ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा फ्यूचर, हमारे भविष्य को बचाइए, और ऐसे गुंडे ही, ऐसे दहशतगर्द लोगों को हमारे सर के ऊपर से उतार के जमीन पे बिठा दीजिए, क्योंकि वो काम आप कर सकते हैं, आप देश बनाने वाले हैं, आप सरकार बनाने वाले हैं, अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।